जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात करते हैं, वहीं उनका प्रशासनिक अमला उनके नेक इरादों को पलीता लगाता नजर आ रहा है। पूरा मामला पिछौर तहसील का है, जहां कोरोना कर्फ्यू के चलते जिला आबकारी अधिकारी के आदेश पर शासकीय मदिरा की सारी दुकानें एवं आबकारी गोदाम बंद किए गए हैं। तो वहीं विभाग के कर्मचारी गोदाम से शराब चुरा कर उसका परिवहन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आबकारी विभाग के कैंपस में गोदाम के बाहर से एक वाहन जब्त किया है और जांच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना पर कि वहां एक गाड़ी है, इस पर से पुलिस फोर्स भेजा था, तो उसमें 40 पेटी एक स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो नंबर है MP17CA7784। इस गाड़ी से 40 पेटी शराब जब्त हुई है। ये गाड़ी नेट पर निकालने पर कोई गुप्ता जी हैं रीवा के, उनके नाम रजिस्टर्ड है। विवेचना के दौरान मालूम पड़ेगा यहाँ कैसे आई और किसके पास थी ये गाड़ी। सर ये कहाँ से जब्त की गाड़ी? ये आबकारी गोदाम के कैंपस से, जो बाहर कैंपस बना हुआ है। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, संभवतः जो ड्राइवर था वो भाग गया है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।